हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटैम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कॉन्टेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजिली कैरियर क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड once you have downloaded, आपको लॉग इन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉग इन करने के बाद आपको हमारे जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटैम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी, आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिविजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कॉन्टेंट, जहाँ पर हम आपको सारा कॉन्टेंट एक ही जगह पर प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 14 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी खोले गए हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। पूछा जा रहा है कि किन लोकेशंस पे ये आपके 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। और ये जो खोले गए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, MIDH स्कीम के अंडर इनको लॉन्च किया गया है, जो कि है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। मिशन पूछा जाए तो MIDH, मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो गया। MIDH स्कीम के अंडर ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कहाँ पर खोले गए हैं? गोवा, ओडिशा एंड कर्नाटका, इन तीनों जगह पे। अब याद रखेंगे कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ गोवा की, तो गोवा में क्या ज़्यादा फेमस रहेगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस चीज़ का होगा? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा मैंगो का, और वहीं पे कर्नाटका की बात करूं तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा कमलम का, जो कि ये क्या होता है? ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। तो इन तीनों जगह के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नाम भी याद रखते हैं कि कहाँ पर किस चीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जगह सेटअप किया गया, MIDH का अप्रूवल मिला और एज ऑफ नाउ देखें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन वेरियस स्टेट्स थ्रू बायलैटरल कॉर्पोरेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट। MIDH हैज अप्रूव्ड 49 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टिल नाउ। और जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन भी प्रोवाइड किया जाता है फॉर द लेटेस्ट हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। मूविंग ऑन, Who inaugurated the 3rd session of National Platform for Disaster Risk Reduction? So 3rd session for Disaster Risk Reduction ये किनके द्वारा अभी इनॉग्रेट कराया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया था इस थर्ड सेशन को ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। ठीक है, फिर न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया था, थर्ड सेशन था। ठीक, और एक ही चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर यहाँ पे बात की गई। इवन अगर आपको याद हो तो इंडिया की डिजास्टर रिस्क डिजास्टर फोर्स एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इनके द्वारा भी एक ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया गया था। मतलब इन्होंने हेल्प करी थी इन फोर्स ने, किस कंट्री की, रशिया, सीरिया एंड टर्की की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और उसके टाइम पे ये वहाँ पर गए थे और काफ़ी ज़्यादा उस कंट्री की इन्होंने हेल्प करी थी। तो पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है कि किस ऑपरेशन के अंडर, जहाँ अर्थक्वेक आया था सीरिया और टर्की में, किस ऑपरेशन के अंडर इंडिया ने उनकी हेल्प करी थी, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया थर्ड सेशन ऑफ एनपीडीआरआर, जो कि है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगर मैं एनडीआरएफ की यहाँ पे बात करूँ तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? अतुल करवाल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया थर्ड सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट, विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड आर फेसिंग द हाईएस्ट रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स। अब जैसे हमने देखा था, अगर आपको याद हो, जोशीमठ में क्या हुआ था कि घर में आप देखेंगे तरेड़ आ गई थी, हर जगह क्रैक्स देखने को मिल रहे थे, हर घर में क्रैक्स देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो जगह काफ़ी अनफेस हो गई थी फॉर लिविंग, और इसीलिए वहाँ के लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ा था। तो ये क्यों होता है? जब लैंडस्लाइड की वजह से होता है, अर्थक्वेक की वजह से होता है, जब वाइब्रेशंस होंगी तो आपकी जो दीवारें हैं दे विल क्रैक ओपन। सो सिमिलरली विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड बताया जा रहा है कि आधा एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स, वो है रुद्रप्रयाग एंड तेहरी। ये दोनों आपकी लोकेशंस, दोनों डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क है इन पे लैंडस्लाइड्स का। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? NRSC एक आर्म है इसरो का, इनके द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया। NRSC क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर इसरो आ जाए तो इसरो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए, तो पहले नंबर पे आ जाते हैं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का, और दूसरे नंबर पे आ जाता है तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि एट द हाइएस्ट और द मोस्ट प्रोन लैंडस्लाइड एरिया डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का। ठीक, फिर इसी के अलावा जो ये डाटा निकाला गया ना, कि पता कैसे लगा इनको कि ये इतना ज़्यादा प्रोन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का डाटा यहाँ पर एनआरएससी के द्वारा कंपाइल किया गया, इसरो से लिया गया और उस पर स्टडी की गई। 1998 से लेके 2022 तक का ये डाटा रहेगा, और इन 22-24 सालों में का जो डाटा है, उनमें यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स आए हैं, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, उसके बेसिस पे इस डाटा को कंपाइल करके आगे दिया गया। ठीक, ऑल्सो एनआरएससी की टीम ने रैंक्ड 147 सैटेलाइट्स अफेक्टेड इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 17 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में फर्स्ट पोजीशन पे टॉप 10 लैंडस्लाइड्स प्रोन डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे ज़्यादा है। जैसे हमने अभी देखा था कि जो रुद्रप्रयाग है वो उत्तराखंड में टॉप पे आता है, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट सेकंड पे, थ्रिसूर केरला थर्ड पे, राजौरी जम्मू कश्मीर फोर्थ पर, और पलक्कड़ केरला फिफ्थ पे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं आरके सिंह, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं। इनके द्वारा अभी वॉलंटरी स्टार लेबलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जो कि वेरियस इक्विपमेंट्स के लिए था, जैसे आपका फ्रिज हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर यहीं पे आपका टेबल फैन हो गया, माउंटेन फैन हो गया, इंडक्शन हॉब्स हो गया, ठीक है, मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर हो गया। इनके लिए एक वॉलंटरी स्टार लेबलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इसी के साथ साथ एक आई दीक्षा पोर्टल भी लॉन्च किया, जो कि था इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन एंड EE नॉलेज शेयरिंग पोर्टल है, तो वेबसाइट थी। ठीक है, इनका न्यूज़लेटर था और एक फ्लायर ड्यूरिंग द इवेंट भी लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे, आई दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया यहाँ पे, और वॉलंटरी स्टार लिविंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और जो ये लॉन्च किए गए थे, कब लॉन्च किए गए थे? ऑन द 21st फाउंडेशन डे, ऑन द 21st फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आई रिपीट, ऑन द 21st फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि 1 मार्च को था 2023 में न्यू दिल्ली में। क्या क्या लॉन्च किया गया? एक आपका वॉलेंटरी स्टार लेबरिंग प्रोग्राम फॉर मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर्स, टेबल्स, वॉल माउंटेड फैन, पेडिस्टल फैंस, इंडक्शन ऑब्स, इन सब के लिए, एज वेल एज आई दीक्षा पोर्टल भी लॉन्च यहाँ पर किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने देखा कि गोल्ड की सेल को बोला गया कि 1 अप्रैल 2023 से वही गोल्ड बिकेगा जिसके पास उनका खुद का HUID नंबर होगा। और ये पूछा जा रहा है, ये जो HUID नंबर कंपलसरी कर दिया गया अभी 1 अप्रैल 2023 से, कितने डिजिट का होगा वो HUID नंबर? 6 डिजिट का वो HUID नंबर होगा। अगर किसी गोल्ड ज्वेलरी पर या किसी भी गोल्ड आइटम पर वो 6 डिजिट का HUID नंबर नहीं है तो उसकी सेल पॉसिबल नहीं हो पाएगी 1 अप्रैल 2022 के बाद। तो उनको लेना ही पड़ेगा HUID नंबर, एंड देन ओनली दिस विल बी एबल टू सेल फर्दर। ठीक है, तो याद रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड पे 12 डिजिट्स होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं IFSC कोड की, तो IFSC कोड में आपके 11 डिजिट्स रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिप्री की रिपोर्ट अभी रिलीज़ की गई 2022 के लिए। सिप्री ने बताया कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर बन गया बिटवीन 2018 से 2022 के बीच में। आई रिपीट, बेशक हम बोलते हैं कि हम मेक इन इंडिया पे बात कर रहे हैं, बेशक हम बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत पे हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम इंडिया में ही वेरियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में ही डेवलप करेंगे ताकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे थोड़ी बात की जा सके और उसको बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन स्टिल हमने देखा 2018 से 2022 के बीच में जो इम्पोर्ट है हमारे सबसे ज़्यादा रहे विद रशिया। ठीक है, अगर हम आर्म्स की बात करें तो हम इंडिया टॉप पर तो रह ही रहा है। ये तो क्वेश्चन हो ही गया याद कि इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर बिटवीन 2018 से 2022 के बीच में। लेकिन इसमें से भी इंडिया ने किस कंट्री से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करा आर्म्स को, वो रहेगी रशिया। 45% हमें यहाँ पे रशिया से देखने को मिला, 29% फ्रांस से और 11% US से हमें ये देखने को मिला। ठीक है, ये डाटा किसके द्वारा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा रिलीज़ किया गया था। सिप्री क्या है? ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है। इनके द्वारा ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 ये डाटा को रिलीज़ किया गया था। एंड इट क्लेम्ड दैट इंडिया कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड्स टॉप आर्म इम्पोर्टर फॉर द 5 ईयर्स बिटवीन 2018 से 2022 के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। IDFC म्यूचुअल फंड्स हैज़ रीनेम्ड और रीब्रांडेड इटसेल्फ टू व्हाट? तो IDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी रीब्रांडिंग की है और जहाँ पे भी IDFC है ना उसको चेंज करके कर दिया गया है बंधन। तो अब IDFC म्यूचुअल फंड का रीब्रांड होके वो क्या हो गया है? बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है, नया लोगो, नए कलर्स, हर चीज़ आपकी नई स्टाइलिंग यहाँ पे दी गई है फॉर दिस बंधन म्यूचुअल। अगर मैं बात करूं IDFC म्यूचुअल फंड जो कि अब बंधन म्यूचुअल फंड हो गया है, यहाँ पर CEO कौन रहेंगे? विशाल कपूर, और मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि इंडियन बैंक ने अभी स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट IND सुपर 400 डेज ये एक FD लॉन्च किया। बेसिकली टर्म डिपॉजिट आपका कि आप 400 दिन तक अगर ये मनी इनके साथ जोड़े रखते हैं तो यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का रिटर्न मिलता रहेगा। ठीक है, इसका नाम दिया गया IND सुपर 400 डेज। इंडियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और यहीं पे 0.05% हायर इंटरेस्ट रेट देने की बात की गई टू वीमेन। ठीक है, इंटरनेशनल वीमेन डे के दौरान इसको लॉन्च किया था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 6 मार्च को ये अनाउंसमेंट की गई थी और 8 मार्च को हमारा इंटरनेशनल वीमेंस डे होता ही है। अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ का रहेगा, मैक्सिमम का रहेगा लेस देन 2 करोड़ रुपीज़। 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए और 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर पीरियड ऑफ डिपॉजिट अभी हमने देखा 400 डेज़ का रहेगा और यहीं पर एक्स्ट्रा 0.05% का बेनिफिट मिलेगा टू वीमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रोडक्ट इज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 6 मार्च एंड द स्कीम ये अवेलेबल रहेगी 30 अप्रैल 2023 तक। यहीं पर अगर हम बात करें तो टर्म डिपॉजिट की जनरल पब्लिक के लिए 7.1%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.6% और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हो गए मतलब 80 साल से भी ऊपर हो गए उनके लिए 7.85%। और इसी में अगर हम वीमेन का देखें, अगर वीमेन के नाम होगी तो 0.05% आप इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनके द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया यूरोनाव के साथ टू सिक्योर परचेज ऑफ वीएलसीसी। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया यूरोनाव के साथ जो कि एक बेल्जियन इंटरनेशनल शिपिंग एंटरप्राइज है टू सिक्योर अ परचेज ऑफ वीएलसीसी जो कि है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। ये पार्ट रहेगा ऑफ यूएन कोऑर्डिनेट ऑपरेशन टू रिमूव मोर देन 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम अ डिकेइंग टैंकर ऑफ येमेन्स रेड सी कोस्ट दैट थ्रेटन्स अ ह्यूमैनिटेरियन एंड एनवायरमेंटल catastrophe. VLCC has reportedly been sold for $55 million. It is expected to arrive early in May 2023 for the operation. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्कर्स की। अभी हमें पता है ऑस्कर्स हुए थे जिसको हम 95th अकेडमी अवार्ड्स भी बोल सकते हैं। कहाँ पर हुए थे? लॉस एंजल्स यूएसए में हुए थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि कहाँ पर हुए, लॉस एंजल्स यूएसए में हुए। दूसरी, ये जो सेरेमनी थी, द सेरेमनी फॉर द सेम वॉज हेल्ड बाय यूएस अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। तीसरी चीज़, इस यहाँ पे होस्ट कौन थे? वो थे जिमी किमेल, याद रखेंगे। और इन्होंने तीसरी बार होस्ट किया 2017, 18 और 2023 में। फिर आ जाता है किस इंडियन एक्ट्रेस ने यहाँ पे प्रेजेंटर थी एट ऑस्कर्स? तो दीपिका पादुकोण को अपॉर्चुनिटी मिली टू बी प्रेजेंटर एट द ऑस्कर्स 2023, ये याद रखेंगे। फिर आ जाता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब किस सॉन्ग को मिला? और ये पहला सॉन्ग बन गया फ्रॉम इंडियन फिल्म जिनको नॉमिनेट किया गया एंड दे हैव वन दिस अवार्ड। वो रहेगा नाटू नाटू सॉन्ग जो कि तेलुगु फिल्म थी RRR राइज रोर एंड रिवोल्ट, उसकी मूवी का ये सॉन्ग रहेगा और उसको यहाँ पर ये ऑनर किया गया विद द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड से। ठीक है, ये हो गया आपका नाटू नाटू का, दीपिका पादुकोण का देख लिया। फिर आपको याद रखना है पहली इंडियन फिल्म जिन्होंने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीता वो है एलिफेंट विस्पर्स। आई रिपीट, एलिफेंट विस्पर्स वो नाम रहेगा उस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जिसको अभी अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, वो है एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट ऑस्कर से रिलेटेड अवार्ड्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धार्थ मोहंटी। इनको अपॉइंट किया गया है इंटर्म चेयरमैन ऑफ LIC के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? सिद्धार्थ मोहंटी। और ये इंटर्म चेयरमैन रहेंगे, मतलब 3 महीने का इनका पीरियड रहेगा जब तक कोई और अपॉइंट नहीं किए जाते, इतने ये उनकी जगह पे अपॉइंटेड रहेंगे। ठीक है, इंटर्म चेयरमैन बने हैं LIC के। एज ऑफ नाउ ये सिद्धार्थ मोहंटी ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं LIC के और इनको इंटर्म चेयरपर्सन बनाया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं जापान नोबेल प्राइज विनिंग राइटर एंड पैसिफिस्ट केंजाबुरो ओए। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, काफ़ी फेमस राइटर हैं और इनका रिसेंटली निधन हो गया। पैसिफिस्ट कौन होता है? पैसिफिस्ट वो व्यक्ति होता है जो वॉर और वायलेंस में बिलीव नहीं करता एंड उसको हमेशा अपोज करेगा एंड जो डिस्प्यूट्स हैं उसको किसी दूसरे तरीके से बातचीत करके सेटल करने की कोशिश करेगा रेदर देन बीइंग फाइटिंग ड्यूरिंग अ वॉर। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं रियोंड बंगाली लिटरेचर शक्तिपड़ा चट्टोपाध्याय जी। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं, शॉर्ट स्टोरी ये राइटर हैं। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 82, 1941 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट एक बुक की बात करते हैं। बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द गांधीयन एरा 1950 से 1948 के बीच में। इस बुक को ऑथर किया गया है 2 लोगों के द्वारा, डॉक्टर जस्टिस पी ज्योतिमणि एंड जी बालन जी। इन दोनों के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है और याद रखेंगे इस बुक को रिलीज किसके द्वारा किया गया, जस्टिस वी सुब्रमण्यम जी के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनके द्वारा इस बुक को इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द गांधीयन एरा 1915 से 1948 बुक को रिलीज करा गया। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड रोटरैक्ट डे। वर्ल्ड रोटरैक्ट बेसिकली एक सोसाइटी होती है, आपके कॉलेजेस में भी रोटरैक्ट क्लब होते हैं, जहाँ पे क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व लेके एंड उस पर वर्क किया जाता है, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आपका हैकेथॉन हो गया, हैकेथॉन तो होगा कि आप एक पर्टिकुलर इवेंट है वहाँ पर जाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, टीम ने टाइम के हिसाब से सॉल्व कर दिया। रोटरैक्ट क्लब क्या होता है, आप इंडिविजुअली आप अपनी टीम बनाते हैं एंड देन यू स्टार्ट फाइंडिंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी और उसकी बेसिस पे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अलग अलग आप यहाँ पर आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो वर्ल्ड रोटरैक्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 13 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। और यहीं पे वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक की बात करूं तो 13 से 19 मार्च के बीच में वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। और 13 मार्च 2023 में हमने ऑब्जर्व किया 55th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रोटरैक्ट क्लब, जो कि पहला रोटरैक्ट क्लब कब आया था, 1968 में यूएसए में आया था। नेक्स्ट SIBC, इन्होंने एक MOU साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ फॉर कॉर्पोरेशन इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। हम बात कर रहे हैं SIBC की। SIBC क्या होता है आपका, SIBC क्या होता है आपका, SIBC होता है स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एक MOU साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ताकि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट पे बात की जा सके, वेस्ट टू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग पे बात की जा सके, ट्रांसपोर्टेशन पे बात की जा सके, आपके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा लाया जा सके, इन्वेस्टमेंट जनरेट की जा सके। ठीक है, इसी के लिए ये MOU साइन किया गया SIBC ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। इवन याद रखेंगे इंडिया एंड स्वीडन पिछले 100 सालों से एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक पार्टनर की तरह। ठीक है, एंड मल्टीपल स्वीडिश कंपनीज ने अपना ऑपरेशन सेटअप किया हुआ महाराष्ट्र में सिंस 1960s। तो SIBC ने साइन किया एक MOU महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इन कॉर्पोरेशन फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट टू एनर्जी, प्लांट, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर एन रंगस्वामी के द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया फॉर फिस्कल ईयर 24 फॉर पुडुचेरी। 11,600 करोड़ रुपए का ये आपका बजट रहेगा। यहीं पर आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट जैसे 2023 को घोषित किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में, तो उसी के गाइडलाइंस के ऊपर यहाँ पे पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर ने एंकरेज किया, इस बजट में एंकरेज करने की बात की फार्मर्स को कि वो मिलेट्स को ग्रो करें। फिर यहीं पर अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पे भी यहाँ पे पैसा लगाया गया। जल जीवन मिशन के लिए भी यहाँ पर वाटर सप्लाई बेटर हो सके उसमें भी यहाँ पर सहयोग दिया गया। तो ये टोटल बजट 11,600 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। MIDH ने अप्रूव किया 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन ओडिशा, गोवा एंड कर्नाटका। PM ने इनॉग्रेट किया 3rd सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसरो के द्वारा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया, जहाँ पे उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग एंड तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ये टॉप लैंडस्लाइड इंडेक्स में आते हैं। देन RK सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है, इन्होंने लॉन्च किया वॉलंटरी स्टार लिविंग प्रोग्राम एंड आई दीक्षा पोर्टल को। 6 डिजिट का HUID नंबर कंपलसरी हो गया गोल्ड ज्वेलरी पे फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। SIPRI रिपोर्ट रिलीज की गई 2022 की, जहाँ पे इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर बिटवीन 2018 से 2022। IDFC म्यूचुअल फंड ने रीब्रांड किया खुद को एज द बंधन म्यूचुअल फंड। देन इंडियन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया एक स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट जो कि है IND सुपर 400 डेज, जहां पर वीमेंस को 0.05% हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। देन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने साइन किया एक पैक्ट विद यूरोनॉव टू सिक्योर परचेज ऑफ VLCC। नेक्स्ट हाईलाइट्स ऑफ 95th अकेडमी अवार्ड्स 2023 लॉस एंजलिस में हुए थे, US में, और इंडिया के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और एलिफेंट विस्परर को एज द बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का खिताब मिला। देन सिद्धार्थ मोहंटी को अपॉइंट किया गया इंटर्म चेयरमैन ऑफ LIC। जापान के नोबेल प्राइज विनिंग राइटर एंड पैसिफिस्ट केंजाबरू ओई, इनका निधन हो गया। बंगाली वेस्ट बंगाल के रियोन लिटरेटर शशि सस्तीपदा चट्टोपाध्याय, इनका भी निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज वी सुब्रमण्यम, इन्होंने रिलीज की एक बुक जो कि है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द गांधीयन एरा 1915 से 1948। देन वर्ल्ड रोटरैक्ट डे, ये आपका 13 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक 13 से 19 मार्च के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। SIBC ने साइन किया एक MOU महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ फॉर कॉपरेशन इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर एन रंगस्वामी ने प्रेजेंट किया बजट फॉर फिस्कल ईयर 2024। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। पहला, ओडिशा ने अनाउंस किया मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन, जहाँ पे 500 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, लिया लगाए जाएंगे आने वाले टाइम पे, ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके। उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए ही यहाँ पे 500 रुपये खर्च करने की बात की गई ओडिशा के द्वारा अंडर मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन। देन स्पेसएक्स की बात करें, इन्होंने 40 वन वेब इंटरनेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया ऑर्बिट में। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया और ये जो 40 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, इसके बाद जो एक और बार 40 सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी और टोटल नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन ऑफ वन वेब। देन इन्फोसिस प्रेसिडेंट की बात करें, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया मोहित जोशी ने, और अब ये टेक महिंद्रा को ज्वाइन करेंगे एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट बात करते हैं, RBI ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत कथपालिया एज द MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO किन को अपॉइंट किया गया है, वो है सुमंत कथपालिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी चेतक कॉर्प्स, इंडियन आर्मी की चेतक कॉर्प्स के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, वो थी एक्सरसाइज चेतक चौकस। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, एक्सरसाइज चेतक चौकस। ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई, इंडियन आर्मी की कॉर्प्स चेतक कॉर्प्स के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। फिर आ जाता है 54th CISF रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 मार्च को। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाई प्राइस डैम एंड सरप्लस पावर पोर्टल पुश पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये तो थे हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पे। पहला, विच स्टेट गवर्नर रिटेन द प्रोहिबिशन ऑनलाइन गेमिंग बिल पास्ड बाय द स्टेट कैबिनेट। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रिसेंटली एक्सपेंडेड टू इंक्लूड विच प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों ये थे 3 हमारे होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया, ठीक है। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं हम डेली बेसिस पे ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। देखो, अगर आपका एग्ज़ाम भी नहीं है ना, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली करंट अफेयर्स की जो हम वीडियो अपलोड करते हैं ये तो आप फिर भी देखो। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया रहेगा कि हो क्या रहा है। मैं आपको डेली कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊंगा तो आपको पता रहेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप सुबह उठ के एग्ज़ाम ना भी हो तब भी आप पेपर पढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े लोगों की हैबिट है पेपर पढ़ना, तो उससे क्या होता है उनको पता रहता है व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो सिमिलरली जो मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूँ ना, तो इससे आपको पता रहेगा कि व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ठीक है। जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे कहीं तो कन्वर्सेशन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। व्हाइल यू विल बी कन्वर्सिंग विद देम, आपको पता रहेगा कि अच्छा विकास राणा सर ने वहाँ पर ये चीज़ें हमें बताई थी, अच्छा ऐसा करेंगे तो ये होता है। तो आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा, आपकी एक थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल Affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द YouTube चैनल एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम YouTube चैनल यू कैन गो एंड फॉलो अस एट अफेयर्स क्लाउड टेलीग्राम चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द कंटेंट और द of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is Affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.